सो सब चंगा है जी। ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस कन्वर्सेशन, जैसा पल्लवी ने अभी अभी कहा। एंड इट्स रियली अमेजिंग फीलिंग टू फाइनली हैव अ गेस्ट जिनके साथ ऐसी फीलिंग आ रही है कि हाँ यार, इनसे बस शुरू कर सकता है बात करना और कोई लोड नहीं है। तो हेलो 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 वर्ल्ड, दिस इज श्रुति पांडे एंड टुडे ऑन माई पॉडकास्ट आई हैव फाउंड अगेन येट अनदर फ्रॉम वन टेस्टर टू अनदर वाला फीलिंग वाला वाइब वाला पॉडकास्ट फॉर ऑल ऑफ यू, जिन्होंने काफी समय टेस्टिंग में बिताया, अभी भी हैं, और उन्होंने फिर अपनी खुद की जर्नी शुरू की, अपना खुद का वेंचर शुरू किया। और ऐसे लोगों से मिलके बात करने में बहुत मजा आता है क्योंकि बहुत कुछ सीखने मिलता है। सो हियर अगेन आई हैव अनदर फ्रॉम वन टेस्टर टू अनदर। थैंक यू सो मच पल्लवी फॉर गिविंग मी योर टाइम थैंक यू टूडे। श्रुति, आई एम सॉरी थैंक यू मैंने सो मच श्रुति। आपको बहुत पुश की और परेशान किया, बट इट्स ऑल वर्थ इट आई नो। नहीं, आई थिंक यू आर वेरी पेशेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द वे यू आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स दिस अमेजिंग इति श्रुति इनिशिएटिव ऑफ योर्स एंड यू हैव डन सम वेरी वंडरफुल पॉडकास्ट। मुझे उनको सुनकर देखकर बहुत अच्छा लगता है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट 1,000 रियल पीपल सब्सक्राइबर्स एंड आई होप दे कंटिन्यू टू ग्रो मोर एंड मोर थैंक एवरी डे फॉर यू। यू, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दैट काइंड वर्ड्स। लेट मी एड वन मोर थिंग, दिस इज गोइंग टू बी माई 200th वीडियो विथ यू, सो दिस इज ओह येट अगेन नाइस, माइल स्टोन, और आपके साथ शेयर कर रही एक्सलेंट, हूँ, सो थैंक यू। ओह गुड गुड, ओह कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट एज वेल एंड आई एम ग्लैड आई एम द 200th यस यू आर। सो वन। मैंने श्योर अपने कुछ क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं आपके लिए, ऑल रिलेटेड टू टेस्टिंग एंड योर करियर जर्नी, एंड प्लीज टेक दीज क्वेश्चंस एज अ स्टार्टर पॉइंट फॉर आर कन्वर्सेशन। अच्छा ओके मतलब एक लगता है ना, कहीं से शुरू करें तो वैसा ही आप इसको ट्रीट करिएगा, एंड दिस इज ऑल श्योर योर पॉडकास्ट एंड योर स्टेज, सो प्लीज फील फ्री टू टॉक वॉट एवर यू फील लाइक टॉकिंग अबाउट एंड शेयरिंग, बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर बहुत लोग आपसे सीखने के लिए सुन रहे हैं। सो मेरा पहला अच्छा ओके क्वेश्चन ठीक है। मेरा मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, यू हैव ऑल्सो बीन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजर्स, और यू नो आपने बहुत सारे कॉन्फ्रेंस देखे हैं, किए हैं, एंड आई थिंक फ्रॉम दैट टाइम किए हैं जब कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने वाली चीज इतना ज्यादा हाइप नहीं हुई थी टेस्टर्स में। सो आपने फ्रॉम दैट स्टार्टिंग पॉइंट देखा है, सो मैं पहले तो समझना चाहती हूँ वो एक्सपीरियंस कैसा होता है, या वो कैसी दुनिया होती है किसी कॉन्फ्रेंस को लाना। वो दुनिया बहुत अच्छी होती है। देर आर वेरी वेल मीनिंग पीपल बिहाइंड सच कॉन्फ्रेंसेस। माई जर्नी इन कॉन्फ्रेंसेस हैज बीन मेनली फॉर कम्युनिटी कॉन्फ्रेंसेस, एज इन कॉन्फ्रेंसेस विच आर नॉट एक्सट्रीमली कमर्शियल इन द सेंस, जैसे कि सेलेनियम समिट था, जैसे कि एपीआई समिट था, जैसे ग्लोबल टेस्टिंग रिट्रीट है, सेलेनियम कॉन्फ्रेंस है, ऐसे और अमेजिंग कॉन्फ्रेंसेस हैं एंड दैट वर्ल्ड इज नाइस बिकॉज अ लॉट ऑफ वेल मीनिंग पीपल कम टुगेदर विच वॉन्ट टू ब्रिंग लॉट ऑफ अदर पीपल टुगेदर लाइक स्पीकर्स लाइक लिसनर्स एंड इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू शेयर नॉलेज एंड आई थिंक इट इज वेरी एसेंशियल फॉर एवरीबडी टू कीप सम पार्ट ऑफ देयर टाइम एंड रिसोर्सेस टू बी पार्ट ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, वेदर इट इज पेड और वेदर इट इज फॉर कम्युनिटी, इट हेल्प्स टू लर्न टू नेटवर्क एंड टू नो पीपल। मेरी लाइफ की पहली कॉन्फ्रेंस थी, कॉन्फ्रेंस का नाम था शी रोज। वो कॉन्फ्रेंस आइदर वाला दिल्ली एनसीआर में थी कहीं एंड माई मदर टोल्ड मी कि ऐसी कॉन्फ्रेंस है यू गो फॉर इट बिकॉज शी न्यू दैट आई वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट समथिंग ऑफ माई ओन, सो शी थॉट दैट आई मे meet some people there and I may listen to some voices there and I did and I did some wonderful people wonderful voices and from there मुझे लगा कि if I want to walk on a journey in which I want to do something on my by myself I will have to learn this world and be a part of it active part of Wow. it. Yeah. I think kudos to your mother. She is like the real Shiro to actually tell you and you know keep her eyes and ears open कि ऐसा कुछ करना चाहिए तुम्हें। Wow. मैं आपने काफी सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर कर दी आपके एक्सपीरियंस शेयरिंग में, पर एक मैं ही आंसर कुछ चीजें
कुछ चीजें समझना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने नोटिस किया है बहुत लोगों को एक ना वो टाइम का, तो चलिए टाइम का तो एक सेकेंडरी एक्सक्यूज आ ही जाता है निकालने के लिए, वो भी आपने कहा कि हमें अपने ठीक रिसोर्सेज है अवेलेबल रखने चाहिए, बट उसके अलावा भी जो मैं देखती हूँ ना, इट्स इट्स ऑल्सो द मनी एस्पेक्ट कि इतना पैसा हमें कॉन्फ्रेंस में लगाना चाहिए या नहीं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? वो उस चीज को कैसे देखते हैं आप? सी, मनी इज वेरी पर्सनल. आपके लिए जो 100 रुपीज का एक्सपीरियंस है वो मेरे लिए शायद डिफरेंट होगा. एंड दिस इज लाइक गिविंग इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ. इफ यू अटेंड द कॉन्फ्रेंस यू आर बेसिकली इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ. सो हाउ मच आर यू ओके विद द नीड टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ इज अ क्वेश्चन यू नीड टू आंसर. फॉर एग्जाम्पल अभी सेलेनियम इंडिया कॉन्फ्रेंस है ऑन 21st of June. राइट. आई थिंक द एवरेज प्राइस ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस टिकट इज 1,000 रुपीज. 1,000 रुपीज में आप एक मूवी और एक पॉपकॉर्न खा के आ जाते हो. सो आई इट्स अप टू यू अगेन. एंड देन देर आर ऑल्सो कॉन्फ्रेंसेज एंड लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस विच डू दीज मीटअप्स, दीज टॉक्स विच आर फ्री टू अटेंड. Like Lambda Trust does a lot of these talks for the community. So and a lot of other meetups happen. So if you don't feel like spending 1,000 rupees, you can yourself just go and listen and talk to them either way. राइट. आई थिंक आपने मुझे एक बहुत अच्छा फंडा मुझे पर्सनली भी दे दिया, बिकॉज मैं जैसे देखती हूँ कि अगर कोई फ्री वाली चीजें हो रही होती है ना कम्युनिटी में, तो कितने लोग का ये परसेप्शन होता है फ्री है ना, तो उस वजह से भी ये लोगों को करना नहीं रहता, और जहाँ प्राइस होती है तो प्राइस की वजह से भी करना नहीं रहता. आई थिंक व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम यू इज कितना सीरियसनेस होता है किसी को अपने आप पे इन्वेस्ट करने के लिए, अपने करियर के बारे में या सीखने के बारे में. आई थिंक ऑल ऑफ इट बॉइल्स डाउन टू रियली दैट कि हमें सच में कुछ करना भी है या नहीं. इफ इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग हाँ दिस बिल्कुल. नहीं आप ठीक कह रहे हो. और यहाँ पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि देर इज इट्स ऑलवेज इजी टू से नो. इट्स ऑलवेज इजी. नो यू यू कैन फाइंड मिलियंस ऑफ रीजंस टू नॉट डू समथिंग, बट वन रीजन इनफ टू डू इट. इफ यू आर एबल टू फाइंड दैट वन रीजन एंड यू आर एबल टू कन्विंस योर सेल्फ दैट दिस इज वाई आई एम डूइंग इट, दैट्स टफ टू डू. क्योंकि सबको इजी लाइफ अच्छी लगती है, कि प्लेट पे रख के सब कुछ मिल जाए. बट जब आपको प्लेट पे रख के सब कुछ नहीं मिलता, तो थोड़ी सी हसक करने से आपको ही बेनिफिट होगा. आई मीन दैट्स हाउ आई हैव लर्न. सो ट्राई टू फाइंड अ रीजन टू से यस. वन रीजन इज इनफ. वन रीजन इज इनफ. दैट्स सो लेट मी नाउ अंडरस्टैंड अनदर बिग एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, बिकॉज दैट वन रीजन आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वॉट वॉज इनफ फॉर यू टू यू नो स्टार्ट योर ओन वेंचर. वॉट लेट टू स्टार्टिंग ऑफ द फाइव एलिमेंट्स एंड यू बिकमिंग अ फाउंडर? अच्छी खासी लाइफ चलती रहती है, टेस्टर बने बने हैं, इतने साल का एक्सपीरियंस है. एंड प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग वेन आई एम आस्किंग दिस, क्योंकि मैं भी अभी उस वाले रोलर कोस्टर पे आ चुकी हूँ, तो ये मेरे लिए ना बहुत पर्सनल भी हो जाता है जानना समझना आप जैसे फेलो टेस्टर्स से कि व्हाट लेड यू टू स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, कैसे अचानक से सोचा कि भाई चलो अपना खुद का कुछ करते हैं, एंड कभी वो डर नहीं लगा कि भाई बिजनेस कैसे आएगा? देखो कुछ भी ना अचानक नहीं होता है. ये बोलना बहुत आसान होता है कि अचानक से ऐसा हो गया, बट ऑब्वियसली आपके भी रीजंस होंगे कि आपने क्यों सोचा कि चलो करते हैं. और मेरा रीजन, मेरे फादर हैं बहुत मेजर. वो मुझे हर कुछ दिन में आके पॉइंट आउट कर देते थे कि बेटा आप अपना कुछ क्यों नहीं करते हो, बेटा आप अपना कुछ क्यों नहीं करते हो. एंड आई वाज लाइक क्या प्रॉब्लम है, मैं कर तो रही हूँ. लाइक व्हाई डू यू वांट मी टू कंटिन्यूअसली फाइंड आस्क मी कि व्हाई डोंट यू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, डू इट ऑन योर ओन. बिकॉज ही इज अ वेरी सेल्फ मेड मैन. आई मीन माई पेरेंट्स आर डॉक्टर्स, माई फादर इज अ सर्जन, मदर इज अ गायनाकोलॉजिस्ट. एंड दे हैव एस्टेब्लिश्ड एंड दे आर स्टिल वर्किंग. दे आर बोथ 70+, एक्टिवली वर्किंग. एंड सिंस दे बोथ आर लाइक दैट, ओके, जिन्होंने डेफिनेटली दे डिड देयर जॉब्स, दे डिड गो अब्रॉड, डिड देयर जॉब, बट दे केम बैक, देन दे स्टार्टेड ऑन देयर ओन.
because they could not find a place for themselves to be adjusted, you know, work under someone else. राइट तो अब आपके अगर ऐसे पेरेंट्स हों जो आपको हर कुछ दिन में आके बोल देते हैं, और मेरे पास कशन था, मेरे ऊपर डिपेंडेंसीज नहीं थी, आई डिड नॉट हैव टू लुक आफ्टर फाइनेंशियली फॉर माई पेरेंट्स. सो ये भी एक फैक्टर होता है कि चलो इसको अपनी जिंदगी जीने दो. तो मुझे अलाउ किया गया, जा सिमरन तू जी ले अपनी जिंदगी, क्योंकि मेरे ऊपर ऐसे कंस्ट्रेंट्स नहीं थे. अगर मेरे ऊपर होते तो मैं 100 बार सोचती कि मे बी आई शुड नॉट. बट आई नो दैट देर आर पीपल हु हैव डन दिस बियॉन्ड हैविंग सो मेनी कंस्ट्रेंट. सो कूडोज टू देम. आई डोंट नो वेदर आई हैव दैट मच करेज कि अगर इतनी डिपेंडेंसीज होती तब भी मैं कुछ कर लेती. बट आई थिंक इन एवरी वंस लाइफ देर आर लॉट ऑफ सच एग्जाम्पल्स वेर पीपल हैव मेड समथिंग फॉर देमसेल्स एंड देयर जनरेशंस. सो बस यही है. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. एंड वन फाइन डे व्हेन आई थॉट कि ठीक है अभी आई कैन स्टार्ट डूइंग समथिंग ऑफ माय ओन, व्हिच इज अबाउट माय वन वेरी गुड फ्रेंड फ्रॉम माय मास्टर्स. शी फाउंडेड हर एन ऑर्गेनाइजेशन, उनका नाम है मोनिशा, साइंटिया बायो करके उनकी ऑर्गेनाइजेशन है. शी यूज्ड टू गिव मी ट्रेनिंग्स फॉर पीपल हु आर नॉन प्रोग्रामर्स टू टीच देम प्रोग्रामिंग. सो शी गेव मी माई फर्स्ट वर्क. That's how it started. That's how I started teaching people, finding out, okay, this is something I can do. क्योंकि मेरी जॉब में भी टू ट्रेन पीपल वॉज अ पार्ट ऑफ माई जॉब. वी वर अ स्टार्टअप, सो हर किसी को अपनी इनकम कमानी भी होती थी. ओके आपको जो सैलरी मिल रही है यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई. सो ट्रेनिंग पीपल वॉज अ पार्ट ऑफ आवर माई जॉब एज वेल. So I had the experience and she gave me the first work. That's how it started. थिंक टेस्टिंग का टेस्टिंग जॉब ऐसा होता है ना, आप टेस्टिंग के साथ साथ और जो 500 चीजें कर रहे होते हो वो आपकी कंपनी आपको उसका अलग से पैसा नहीं देती है, बट जब आप खुद का शुरू करते हो तो आपको पता होता है मैं इतनी इतनी चीजों के लिए कर सकता हूँ. लाइक दैट्स द बिल्कुल ऑनिक एंड फनी पार्ट. एंड कुडोस टू योर पेरेंट्स. मैं अपनी मम्मी को ये पॉडकास्ट सुनाने वाली हूँ पूरा बिठा के, सच में, ठीक है बिकॉज सीरियसली शी गेट्स वेरी पैरानॉइड फॉर मी कि अरे तुम ऐसे क्यों कर रहे हो. एंड आई थिंक आपने जो जितनी आप इतनी बेस्ट हो ना, आप सारे कंस्ट्रेंट्स बता के, सारे पहलू बता के जिस तरीके से आप बताते हो, बिकॉज है डिफिकल्ट. और मैं जानती हूँ कि मैं वो सेकंड कैटेगरी वाले में से आती हूँ जहाँ पे मुझे पता है कि मेरे पे कुछ डिपेंडेंसीज हैं. या चलो ठीक है यार, अगर और कोई डिपेंडेंसी ना, तुम्हारा खुद का तो तुम्हें देखना पड़ता है जैसे आपने कहा. सो बिल्कुल बिल्कुल वो वाली चीज होती है. एंड व्हाइल आई वांटेड टू से 1,000 टाइम्स व्हेन यू वर गिविंग दैट आंसर कि हाउ लकी यू आर टू हैव दोस पेरेंट्स, राइट, कि वो आई आपको एम पुश आई दे रहे हैं कि जा बेटा कर ऐसा. बिकॉज कितने पेरेंट्स से डरते और डराते रह जाते हैं. मिडिल क्लास की एक वो प्रॉब्लम होती है ना कि नहीं, हम कैसे कर सकते हैं, या हम कैसे कर सकते हैं ये. बट इट्स आयरॉनिक कि हम ही मिडिल क्लास लोगों से इतने सारे बिजनेसेस आते हैं. आपके पेरेंट्स ने तो वो पहला पुश लिया था ना, ये सोचते हुए कि हाँ डिपेंडेंसी है फिर भी हमें करना है. एंड मेरे भी जो ग्रैंड पेरेंट्स, फोर फादर्स थे, उन्होंने भी तो लिया था ना. इट्स नॉट लाइक दे आर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेनर्स, ऐसा कभी नहीं होता है. दैट इज द ऐसा मोस्ट नहीं होता फेक थिंग ऑन द इंटरनेट है. एवर. आपके दादा परदादा किसी ना किसी ने वो लिया होता है जज्बा, वो जोश, और वो किया होता है कि हाँ हमें कुछ करना है, तभी हम आप हैं और हम कुछ कर पा रहे हैं. सो आई थिंक कुडोज टू ऑल दोज हु आर बिफोर अस, एंड कुडोज टू योर पेरेंट्स. सच में मेरा बहुत बहुत थैंक यू. प्रणाम अरे दोनों थैंक यू थैंक यू थैंक यू को. श्रुति. आई थिंक यस आई एम डेफिनेटली लकी. एंड दे आर अ लिटिल स्ट्रिक्ट दैट वे ऑल्सो. क्योंकि मुझे याद है व्हेन आई हैव कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग, आई वाज बैक होम. ड्यूरिंग माय इंजीनियरिंग टाइम, जस्ट लास्ट ईयर में हमें जॉब्स अप्लाई करना था. इंडिया अंडरवेंट रिसेशन एंड ओ आई वाज नॉट एबल टू गेट एनी प्लेसमेंट्स. और मुझे उस टाइम पे खैर जॉब का मन नहीं था, मुझे आगे पढ़ाई करनी थी. सो आई रिमेम्बर आई वॉज ऑल 21 एंड आई आस्क माई पापा फॉर सम मनी एंड इज लाइक यूर 21 गो ऑन ऑन योर ओन. एंड आई नेवर आस्क हिम बैक अगेन बिकॉज जितनी सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी है थोड़ी बहुत उन्होंने मुझे भी दी हुई है. सही बात है, सही बात है. आई ऐसा ही होता है. थिंक ही टॉट यू थिंग्स वेरी अर्ली.
मैं समझ पा रही हूँ, मतलब मैं कोई ऐसी अंतर्यामी तो हूँ नहीं, पर कितनी सही है। सलाह थी वो कि भैया हो गई, तुम 21 है, तुम्हारे पास डिग्री, पढ़ लो जितना पढ़ना है, देखो अच्छी बात है यार हाँ, तो ये फिर पढ़ना। आप उसी ढंग से ही सोचते हो कि ठीक है, अगर आपको आगे पढ़ाई करनी है तो फिर स्कॉलरशिप पे करो अपने। यू हैव टू लर्न टू सपोर्ट योर सेल्फ, बिकॉज पेरेंट्स डू सपोर्ट, लाइक पेरेंट्स लाइक मी। आई एम वेरी श्योर लॉट ऑफ पीपल हैव पेरेंट्स लाइक वट आई हैव। दे सेल्फलेसली सपोर्ट यू फॉर ऑल योर ड्रीम्स। दैट्स वॉट पेरेंट्स डू, एंड देयर फियर इज ऑल्सो वेरी वेल प्लेस्ड। यस बिकॉज आई एम अ पेरेंट, आई कैन नाउ रिलेट वेल टू। जब आप हम चले हैं जी कुछ नया करने, तो पेरेंट जरूर डरेगा। सही बात है। इट्स ऑल राइट, वो आपके लिए डर रहा है, एंड इट्स ओके। थोड़ा डर जरूरी होता है। आई थिंक जितना टेस्टर्स को ये पॉडकास्ट, ये वाला एपिसोड सुनना चाहिए, उससे ज्यादा जितनी पेरेंट्स है ना उनको सुनना चाहिए, क्योंकि दिस इज टर्निंग आउट टू बी सो इनसाइटफुल एंड यू नो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन फ्रॉम दैट एस्पेक्ट एज वेल, क्योंकि कभी ना कभी आप पेरेंट बनेंगे, आप होंगे, और इतनी क्लैरिटी, इतना मजा, और इतने आसानी से इतनी बड़ी बड़ी चीजें जो हमने शेयर बात किया है और आपने शेयर किया है पल्लवी, थैंक यू सो मच, सीरियसली आई मीन इट फ्रॉम द थैंक यू, बॉटम थैंक ऑफ माई यू। हार्ट, इट्स नॉट इजी ठीक शेयर ये सब। है ठीक है। बट मूविंग ऑन, मेरा आखिरी एक क्वेश्चन है आपसे, बिकॉज मैं मुझे ऐसा लगता है टेस्टर्स कुछ ना उनका इनबिल्ट फीचर, वो क्रिएटिव होते हैं, एक वो क्रिएटिव बग होता है हम में, एक वो कीड़ा होता है क्रिएटिविटी का, चाहे वो आर्ट से हो चाहे किसी से हो, क्योंकि टेस्टिंग एक आर्ट और साइंस दोनों का मिक्सचर मुझे लगता है। एंड आई ऑल्सो सी एंड आई नो कि आपने मोजाइक वर्ड्स करके जो एक अपना एक और एक बेबी क्रिएट किया है, उसके बारे में कुछ बताएंगी, उसके बारे में श्योर क्या करना चाहेंगी? श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर नोटिसिंग दैट। एंड मोजाइक वर्ड्स, मैंने लास्ट ईयर सोचा था इसके बारे में कि इट बेसिकली गिव्स मी अ प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन पब्लिश बुक्स ऑन माय ओन। आई कैन बिकम अ पब्लिशर हाँ एंड आई कैन टॉक अबाउट एनवायरमेंट इन अ ब्रॉड सेंस थ्रू स्टोरी टेलिंग। एंड होता क्या है ना श्रुति, कि हम लोग बाय डिफॉल्ट वी आर ऑल वेरी सेल्फिश पीपल। ओके, हम सब बहुत सेल्फिश हैं, तो हम तो एक दूसरे इंसान को स्पेस देने में हमें प्रॉब्लम है। तो हम जो नॉन इंसान है उनको कैसे स्पेस देते हैं? हमें तो एक इंसान को भी स्पेस देने में बहुत बार सोचना पड़ता है कि ये हमारे पैसे ले लेगा, ये हमारी एयर ले लेगा, हमारा घर ले लेगा, यू नो ऑल दोज फीलिंग्स। बिकॉज बाय डिफॉल्ट वी आर ऑल अ वेरी सेल्फिश सेक्ट ऑफ पीपल इन जनरल ह्यूमन। ओके बट वी फेल टू रियलाइज दैट वी आर इनहेबिटिंग दिस प्लैनेट एंड शेयरिंग इट विद लॉट ऑफ मिलियन अदर स्पीशीज। राइट सो व्हेन आई वाज इन माय लोएस्ट 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 सेल्फ, लाइक वेरी 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 बैड फेज, माय मदर गेव मी दिस बुक बर्ड बिजनेस, बिकॉज दैट काइंड ऑफ यू नो That helped her. Going to nature helped her when she went through phases like, you know, emptiness syndrome होता है हर पेरेंट को जब उनके बच्चे दोनों मी एंड माई सिस्टर वी बोथ लेफ्ट वन आफ्टर दी अदर हाउसेस। सो वी बोथ वेंट टू यूएस टू डू आवर स्टडीज। सो माई मदर वेंट थ्रू अ वेरी बैड एम्प्टीनेस सिंड्रोम एंड यू नो सडनली देर इज अ गैप। अब क्या करें, अब हमारा दिन कैसे कटेगा? बिकॉज अ पेरेंट वर्ल्ड रिवॉल्व अ लॉट अराउंड देयर चिल्ड्रन। सो माई मदर फाउंडेड दिस एक्सट्रीम हैप्पीनेस लुकिंग एट नेचर, डूइंग बर्ड वॉचिंग। सो शी थॉट, शी केप्ट ऑन थिंकिंग कि मे बी दिस विल हेल्प मी। एंड आई यूज टू ऑलवेज बी लाइक कि मुझे ये सब नहीं समझ आ रहा, मुझे नहीं देखनी कौन सी चिड़िया है और वो कितने रंग की है और उसकी क्या कर रही है वो। आई एम नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग ऑल दैट। बट वेन शी गेव मी दिस ब्यूटिफुल बुक बर्ड बिजनेस, दिस इज बाय दिस गाय रोहन चक्रवर्ती, ग्रीन ह्यूमर करके उनका चैनल है। कैन इफ यू फाइंड दिस इंटरेस्टिंग कैन फाइंड आउट। एंड आई स्टार्टेड रीडिंग इट, आई एम लाइक वाह व्हाट अ वर्ल्ड, कितना मजा है इनकी दुनिया में। अच्छा ये भी होता है, बिकॉज आप बार बार टेस्टर्स को ला रहे हो। टेस्टर्स ऑल दो मैं मतलब ऐसे डिमार्केशन नहीं करती, आई थिंक टेस्टर्स आर ऑल्सो ह्यूमन बींग। सो इन जनरल अगर ह्यूमन बींग की बात करें, सो वी आर ऑल्सो इंक्विजिटिव, राइट? वी लाइक नोइंग थिंग्स विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ, विच वी आर नॉट टॉट स्पून फेड।
And when you have that skill that you are inquisitive about in general of life, you want to learn, acquire new things, and new things excite you. So that really helps. So looking at birds, finding this world helped me come out of from a pretty bad phase. और मुझे बहुत बाद में पता चला कि ऐसे रिसर्चेस हैं कि बर्ड वॉचिंग एसेट्रा हेल्प पीपल हु आर अंडर डिप्रेशन और दे आर यू नो अंडर एंगजाइटी. नेचर वॉचिंग हेल्प दीज पीपल. सो खैर मुझे तो ये एक्सपीरियंस करके पता चला. बट ये एक मतलब दिस इज अ प्रोवन फैक्ट दैट इट हेल्प्स. सो द वे ही टॉक्स अबाउट नेचर, आई ऑल्सो वॉन्टेड टू टॉक इन अ सिमिलर मैनर but to children, through stories, through satire, through fun. So that's the reason I formed Mosaic Words, so that I can try write some books, get some people who also believe in the same mindset, and collectively we can make people aware about that we are just, you know, we are not the only people in the world. आप जंगल में जा रहे हो तो टाइगर के अलावा और भी कुछ है देखने के लिए, प्लीज देखें. बस यही है. सही बात है, सच में पल्लवी, मैं थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन रेट्रोस्पेक्शन और सब में चली गई, बट कोई बात आपकी नहीं. आपकी आपकी जो बात करने की स्टाइल और जिस तरीके से आप बड़ी बड़ी चीजें बहुत आसानी से बोल जाती हैं, और यू नो बिना कटाक्ष किए, बिना सामने वाले को, बिना, हाँ बिना वो, पता है कि तुम्हें मैं जज कर रही हूँ या तुम्हारा, ओ तुम्हारा ऐसा या वैसा, बहुत सारी अजीब अजीब चीजें होती है पता है जब आप सुनते हैं सामने वाले को. आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग एज अ टेस्टर और अ पॉडकास्ट होस्ट और दिस और दैट, बट जब एज अ थर्ड पर्सन अगर मैं भी इस रिकॉर्डिंग को बाद में सुनूं, मुझे भी तो समझ आता है ना मैं कैसी हूं या सामने वाला कैसा है, वैसे दुनिया देखती है. सो जिस तरीके से आप ये सारी चीजें बोलती है ना इतनी आसानी से, मैं फैन हो गई आपकी इस स्टाइल की. एंड आई लव द फैक्ट जब आपने, पता है, वो एक चीज बोली कि मैं बार बार टेस्टर बोल रही हूँ और आपको लगता है टेस्टर अलग चीज नहीं होती है. थैंक यू, सीरियसली थैंक यू फॉर सेइंग दैट आउट लाउड, क्योंकि जितने बार मैं लिंक्डइन खोलती हूँ, टेस्टर को टेस्टर्स और टेस्टिंग वर्ल्ड एक ऐसा अलग स्पीशीज की तरह देखता है ना, वैसे ही हमको इतना लेबल और साइडलाइन कर दिया गया है कि भैया टेस्टर बड़े खराब होते हैं, एंड मोमेंट पे बग देते हैं. कोई ये नहीं देखेगा एंड मोमेंट पे तुमने बिल्ड दिया, बट एंड मोमेंट पे हम बग देते हैं वो जरूर देखते हैं. सो जिस तरीके से आपने वो जो एक चीज कही ना, इतना अच्छा लगा मुझे कि हम कोई अलग नहीं है, हम सब एक ही हैं. एंड आई एम सो हैप्पी कि आप कुछ ना ढूंढती रहती हैं, करती रहती हैं, और सिर्फ अपने आप के लिए नहीं पर सबके लिए कुछ अच्छा करने की सोचती रहती है. जो मोजाइक वर्ड्स वाला चीज है, बहुत गजब चीज है. एंड आपने जब स्टार्ट किया, पता है कि हम लोग सेल्फिश लोग होते हैं, आई थिंक आज का मेरा टू डू टास्क में एक वो भी कुछ आने वाला है आज, ये मेरे दिमाग से नहीं जाएगा, इस पे कुछ खुराफात होगी मेरी, और मैं खुद इस पे और सोचूंगी कि इतने सेल्फिश हूँ क्या मैं क्या करती हूँ, मतलब बाकी सबका क्या, मैं खुद का तो देखूं कि मैं कितनी सेल्फिश हूँ. बट प्रोबेबली यू आर एब्सोल्युटली राइट इन सेइंग कि हम कितने सेल्फिश हैं. सॉरी मैं बहुत ज्यादा बकर कर गई, एंड आई एम गोइंग टू नहीं स्टॉप नहीं नहीं बट आई एम लाइक आई सेड, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट. आई नो दैट आई यू आर अ वेरी पैशनेट पर्सन, सो यू वांट टू टॉक अबाउट इट, यू वांट टू एक्सप्रेस इट, एंड दैट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट विद मी. सो प्लीज प्लीज डोंट वरी. सी व्हेन यू थैंक सेड दैट ना कि बिल्ड लास्ट मिनट पे आती है तो टेस्टर लास्ट मिनट पे इश्यू देता है. When I was managing a team which had, you know, developers and testers, we were building our in-house product for the world. उसका नाम था ऑपकी, उसका नाम है ऑपकी. I mean, it's doing very well, so I'm very happy and proud about it. यू. So हमारी एक टीम थी डेवलपर्स की एंड टेस्टर्स की एंड सपोर्ट की एंड मार्केटिंग की एंड टेक्निकल जो डॉक्यूमेंटेशन की थी हमारी जसप्रीत. सो फ्राइडे दोपहर को हमारे बिल डेवलपर्स बिल देते थे और टेस्टर्स को वो मिलता था. तो नाउ दैट टाइम आई एम अ मैनेजर, सो आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर ऑल मैनेजर्स आउट देयर. आई थिंक दे लिसन फ्रॉम ऑल एंड्स फ्रॉम द टॉप फ्रॉम द बॉटम, एंड नोबडी एवर कम्स अक्रॉस एंड से थैंक यू टू देम. सो कूडोस. I don't think I did very well as a manager. Rather, I used to feel tense about it because मुझे इतना people skills नहीं आता है. So it is a very very difficult job of being a manager. And
यू नो कीप एवरी स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट इन पिक्चर एंड स्टिल डू जस्टिस टू एवरी वन. एंड वेन यू फेल एवरीबडी इज आफ्टर यू, इसकी गलती है, इसने किया होगा, या ये हमारी नहीं सुन रहा है. तो मैनेजर, बीइंग अ मैनेजर इज वेरी 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 टफ. सो जो टेस्टर्स ऐसे करते थे तो हम कोशिश करते थे कि अच्छा हम आपको बिल्ड फिर मंडे को देंगे ताकि आप ट्यूसडे वेडनेसडे वर्किंग डेज पे काम कर सको, क्योंकि बहुत लोगों का साइकिल ऐसे ही चलता है कि आपको फ्राइडे रिलीज मिलेगा एंड देन यू आर नाउ एक्सपेक्टिंग द टेस्टिंग टीम टू टू रैप अप थिंग्स. आई मीन इन लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर नॉट एक्सट्रीमली हाई एंड, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट वी यूज्ड टू डू. सो मेकिंग दी स्मॉल चेंजेस विल हेल्प. और टेस्टर्स का जरूर एक काम होता है गलती निकालना, उसको बताना, बताने के तरीके टेस्टर्स को भी सिखाया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स उनके लिए इम्पोर्टेंट है. बट अगर आप एक टीम की तरह देख के चलेंगे तो आपको शायद किसी की बात बुरी नहीं लगेगी. दूसरा, आपको शायद इस तरह से भी बोलना आना चाहिए कि उन्हें हमारी बात बुरी ना लगे. लार्जर पिक्चर को देख लो तो किसी की बात बुरी नहीं लगेगी, आप काम करोगे. एंड आप जो कह रहे हो कि टेस्टर्स को एक अलग स्पीशीज, अलग माइंडसेट और उस तरह से देखा जाता है, तो आई थिंक चेंजिंग द वे यू लुक एट थिंग्स आल्सो हेल्प्स. आप एवरीबडी शुड बी एबल टू, आप अपना नजरिया बदल लो, दुनिया का बदल जाएगा. वी कैन नॉट चेंज द होल वर्ल्ड बट यू कैन बिगिन विद योर सेल्फ. दैट्स ऑल इट इज, दैट्स ऑल आई हैव लर्न्ड. मैं फिलोसफी झाड़ नहीं रही हूँ, मैंने ऐसे ही जिंदगी जीनी सीखी है, बहुत मुश्किलों से, पर ऐसी सीखी है कि ऐसे ही जिंदगी जीनी पड़ेगी. ऐसे ही है, ऐसा ही वर्ल्ड है श्रुति. ऐसा ही है। थैंक यू सो मच, सीरियसली थैंक यू सो मच कि आपने हाँ बोला इस पॉडकास्ट के लिए। दो श्योर तीन श्योर, बार तो थैंक मैं यू ही सो देखने मच. वाली हुई ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक सीरियसली यू फॉर लिसनिंग टू मी. थैंक यू, थैंक यू बट फॉर मेकिंग मी टॉक ऑल्सो. या नहीं, वो थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन स्किल टेस्टर्स में होती है ना, आपकी अपनी है मेरी बिल्कुल अपनी है, बिल्कुल, हम लोग का कुछ श्योर ना श्योर, कुछ मिल बांट के हो गया। बिल्कुल. आप में पेशेंस भी बहुत है, ये तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया आपके बारे में. नहीं बट सारी चीजें हमने बात कर ली, बहुत कुछ मैं अभी और भी बोल सकती हूँ, निकलवा सकती हूँ, आप खुद शेयर कर सकती हैं, बट लेट मी जस्ट राउंड इट अप टू दिस कि आपको ऐसा लग रहा है कुछ मैं पूछना आपसे भूल गई या कुछ पूछना चाहिए था, ऐसा कुछ लग रहा है कि एक आप भी तो किसी माइंडसेट से आई होंगी ना कि आज बात करेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है कुछ मिस हो गया जो बात करना था इसमें, जो शेयर करना चाहेंगी आप? नहीं श्रुति, मुझे ऐसा लगता है दैट यू हैव कवर्ड एवरीथिंग. एंड रेस्ट बात करने के लिए तो यू नो देर देर इज ऑलवेज अ लॉट टू टॉक. ऐसा नहीं है, बातों में से बातें आप कितनी भी निकाल लो तो वो तो चलता रहेगा, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस. सो मुझे नहीं ऐसा लग रहा कि कुछ रह गया, बट अगर आपको कुछ और मुझसे पूछना है प्लीज फील फ्री टू आस्क, आई विल आंसर यू. नहीं, मुझे मुझे पूछना नहीं है, बट मुझे बस लास्ट एक चीज निकलवानी है टू ऑल द टेस्टर्स। बोलो. अगेन आई एम सॉरी, बट नो जो दैट्स ऑल सुन राइट, रहे हैं, बोलो. जो आपको सुन रहे हैं, आपकी कोई एडवाइस है उनके लिए कि जो भी आपको लगे जो उनको हेल्प करे इन जनरल? मेरी एक ही एडवाइस है कि किसी और की एडवाइजेस सुनना और पूछना आप छोड़ दो, लेट इट बी. आप अपनी एडवाइजेस खुद बनाओ और आप उन्हीं को ही फॉलो करो. मुझे पाइड पाइपरनेस अच्छी नहीं लगती. मुझे मुझे लोगों को सलाहें देना अब और अच्छा नहीं लगता. मुझे ऐसा लगता है कि पीपल इन द एंड डू व्हाट दे वांट टू डू. सो इट इज बेटर दैट यू यू प्लीज एडवाइज योर ओन सेल्फ व्हाट यू थिंक यू शुड बी डूइंग. एवरीबडी इज स्मार्ट एनफ नाउअडेज, ओके. देर आर यू आर ऑल वेरी वेरी स्मार्ट पीपल, योर लिसनर्स आर एक्सट्रीमली स्मार्ट पीपल, वेल मीनिंग पीपल. एंड आई डोंट थिंक दे नीड एनी एडवाइसेस, नो एडवाइस. So, आज से मैं भी एक ये लेती हूँ कि ये वाला जो अगर मैं पूछती थी लोगों को, ये मैं पूछना ही बंद कर दूंगी। वो सीरियसली आपकी गेस्ट मर्जी को जो मैं है. एडवाइस वाला पूछती थी ना पार्ट एकदम एंड में, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि कुछ चीज जो वो बता सके, वो जो एक्स्ट्रा सीक्रेट सॉस या ऐसा कुछ। आई थिंक आपने जो ये कहा ना, इसके बाद से ये वाला चीज पूछना बंद, बात ही खत्म। ठीक है, सीरियसली ठीक है श्रुति. थैंक यू सो मच। ठीक है. वैसे एक और इस बात पर है कि किसी की एडवाइस को इतनी जल्दी भी फॉलो नहीं करना चाहिए.
मेकअप योर ओन माइंड, इट्स ऑल नहीं राइट। मैं आपको आके ये बोल दूंगी, कोई आपको आके बोल देगा कि अरे आपने एडवाइस ही पूछा अपने स्पीकर से, सो प्लीज डोंट डोंट बी सो क्विक इन डिसाइडिंग, ओके आज से तो ये बंद, ऐसा कभी नो नहीं होता। आई एम जस्ट नो नो सेइंग कि आई एम नॉट बीइंग क्विक. दिस इज आफ्टर 200 ओके ग्रेट वीडियोस ऑन दिस पॉडकास्ट आई एम लाइक हाँ श्योर ये सही बात बोल रही है, क्योंकि अनसोलिसिटेड एडवाइस का कोई वैल्यू नहीं होता है राइट. जब तक वो किसी हाँ राइट प्लेटफॉर्म पे जाके आपको हमको 200 300 500 रुपए ना दे दे हमारे आधे घंटे के, तब तक वो एडवाइस एडवाइस ही नहीं है. सो No, it's actually not even about money. It's about how a human is, okay? And we are not talking to children, right? कि आप उनको advices दो. So we are talking to people who are all, adults. Your listeners are not kids listening to you. They are not looking for any advices. क्योंकि ज्ञान देना बहुत आसान है. सही बात है. But उसको वो ज्ञान चाहिए कि नहीं, ये तो वो खुद ही डिसाइड करेगा ना. तो बहुत सोर्सेज हैं, आप कहीं से भी ज्ञान निकाल लो, पर फिर ज्ञान को ज्ञान की तरह देखो, एडवाइजेस मत मांगो, वो वर्क नहीं करता. और जो मुझे एक चीज लगती है ना, जितने भी 10 12 20 500 जितने भी लोग ये सुन रहे हैं या जो भी सुन रहे हैं मेरी कन्वर्सेशन या मेरे पे जो भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड होके डले हुए हैं, उनकी इंडिविजुअली तो मैं नहीं जानती उनके लाइफ में क्या चल रहा है. देन वी आर नॉट इवन द राइट पर्सन टू गिव दैट एडवाइस राइट. पता नहीं है कि कौन श्योर सुन रहा यार, है, दैट्स किस लाइक स्टेट ऑफ माइंड में सुन रहा वेरी है, उसकी नाइस. क्या फाइनेंशियल कंडीशन है. तो आई थिंक एक वो भी एक हिचक होती है, पता है, वो जो आपने पैसे वाली चीज भी कही ना, इट्स इट्स एन एडेड बर्डन एंड मतलब वो बिना मतलब का कर्मा मुझे लगता है कि भैया नहीं चाहिए. सो दिस दिस यू आर टोटली राइट, मेक्स यू सेंस एंड आई एम वेरी नॉट वेल सेड. एंड आई एम नॉट एट ऑल क्विक इनफ आई थिंक. हाँ बस बहुत हो गया. 200 वीडियोस में एडवाइस दे ठीक रही थी, क्या सुनी तुमने? अगर किसी ने डाला भी यही वो डालूंगी मैं. सो दिस ठीक है वाज सच एन श्रुति, इंट्रीगिंग एंड इनसाइटफुल कन्वर्सेशन पल्लवी. सच में जान के वैसे भी थोड़ा बहुत मैं देखती थी और समझती थी आपके बारे में, तभी मैं चाहती थी कि आपसे बात करूं. मुझे बहुत श्योर अच्छा लगा एंड थैंक यू अगेन सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम टुडे. इट मीन्स अ लॉट. ठीक है, थैंक यू सो मच श्रुति. मैं भी आपको बहुत सारी चीजों के लिए थैंक यू बोल सकती हूँ, बट आई विल कीप इट शॉर्ट. थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. You are a great person. I wish you all the best with all your endeavors. Please take care of yourself. Need it. Thank you. Thank you. Bye. Take care.